अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हाजिर एक और रेसिपी लेके, आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, वो भी अपने स्टाइल से। मार्केट में बहुत अच्छा आए थे तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करती चलूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले मैं इधर ले ली 1 किलो, मेरे पास करेले थे तो मैंने इसको धो छिल के बीच से काट के सारे सीड निकाले, जो बीज होते हैं निकाल के इसमें नमक डाल के रख दिए थे मैंने। और अब इसको सही से वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। देखिए पर खुशक हुए में इसमें नमी भी नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपके ना करेले में ना कड़वास नहीं आएगी, हल्का फ्लेवर, जो जैसे सब्ज़ी उसका फ्लेवर तो रह ही जाता है लेकिन कड़वास ख़त्म हो जाती काफ़ी हद तक। साथ में तो मेरे पास एक प्लेट भर की प्याज कटी हुई स्लाइस कर में, तो ये 6 से 7 अदर प्याज है, 4 अदर टमाटर है बड़े साइज़ के मेरे पास, उसे मैंने काट लिया। जो मसाले ऐड होंगे तो 1/2 टीस्पून मेरे पास जीरा है, हरी मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास, तो साथ में ये एक छोटी प्याली है भर के थोड़ी, यानी 9 से 10 हरी मिर्चों का पेस्ट है, साबुत धनिया दर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच और नमक हसबे जायका, ये हम डालेंगे। और किस तरीके से बनाओगे आपके साथ शेयर करती चलूँगी, बहुत मज़े ही बनती है। और हमारे घर में तो वैसे करें ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जब इस तरीके से बनाते हैं तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें कड़वास भी नहीं होते, पता भी नहीं चलते कि हमने करेले की सब्ज़ी बनाई है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए स्टार्ट आते हैं, कुकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने करेले को फ्राई कर लूँगी मैं, सही है, इसे फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं तेल ऐड करूँगी। एक कढ़ाई मैंने तेल ले लिया है 1/2 कप, सही है, इसमें मैं करेले ऐड कर दूँगी सारे। इसे फ्राई करेंगे हम तेल में और फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। ये देखिए आप अच्छे खासी ग्रीन ग्रीन कलर हो रहे हैं हमारे करेलों का, तो इसे इतना फ्राई करेंगे गोल्डन हो जाएंगे। ऐसा करने से आपके करेलों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है और कड़वास भी ख़त्म हो जाती है, बहुत मज़े का बनते है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसको चाहे आप, मैं आपके साथ इसकी कीमे के साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी, करेले की बहुत सी रेसिपियाँ हैं, तो करते जाएंगे जैसे दिन चढ़ते जाएंगे और रेसिपियाँ भी आती रहेंगी इंशाल्लाह। ये देखिए फ्राई हो रहा है हमारे मज़ीद, इसको और फ्राई करेंगे हम और फ्राई करके इसे मुझसे से हिलाते जाएँ तो एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे, वरना एक तरफ से रह जाएंगे आपके। देखिए गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हमारे करेले, सॉरी जबान फिसल जाती है, करेले हमारे फ्राई हो गए। देखिए ग्रीन से हमारे थोड़े येलो पे आ गए कलर, अब इसे थोड़ा और गोल्डन करेंगे फ्राई, फिर इसे निकाल लेंगे हम फ्राई करके। फिर इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज, तो साथ साथ दिखाती भी चलूँगी आपको, मज़ीद पहले इसको फ्राई कर लूँ मैं। ये देखिए हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी एक डिश में और बहुत मज़े के फ्राई हुए हैं इसको। ये देखिए हमने निकाल लिए करेले, अब इसी तेल में मैं ये प्याज फ्राई कर लूँगी, इसको भी हम गोल्डन फ्राई करेंगे। देखिए अब हमने प्याज आ जाए, इसे भी मैं फ्राई करूँगी गोल्डन फ्राई, इसको तभी हो जाए। फिर इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे, आपके साथ शेयर करती चलूँगी साथ साथ। ठीक, तो सबसे पहले तो बात ये, अगर आप कुछ भी पकाएं ना, कोई भी सब्ज़ी बनाए जिस पर प्याज का काम होता है, तो मेन चीज़ रोल जो होता है प्याज का ही होता है कि आपकी प्याज अच्छी फ्राई होनी चाहिए और कहीं से जली हुई, कहीं से ऐसी नहीं होनी चाहिए, अच्छी कटी हुई होनी चाहिए, तो चीज़ आपकी वैसे ही बहुत अच्छी बनती है अगर आपकी प्याज अच्छी फ्राई हुई भी होती है तो। और आज का प्याज ऐसी आ रही जो फ्राई नहीं हो रही, तो किसी को इसका टुटका मालूम है तो बता दें, शेयर कर दें मेरे साथ। तो ये मेरी प्याज है, इसे फ्राई कर रही हूँ मैं, तो ये मज़ीद क्रिस्पी तो नहीं हो रही है आजकल की जो प्याज आ रही है, पर्पल कलर की जो डार्क कलर की आ रही है, अच्छे से मुराद ये कि प्याज फ्राई तो हो जाती है पर क्रिस्पीपन नहीं होता है इन प्याज़ों में, तो ये क्रिस्पी फ्राई नहीं हो पा रही मेरी प्याज। तो फिलहाल हम इसको गोल्डन करेंगे जितनी हो रही है इससे, और इसमें मसाले ऐड करेंगे फिर। ये मुसलसल इसको मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ, कहीं से ये ख़राब ना हो जाए फ्राई होते हुए, तो इस तरह अच्छी फ्राई होती है, चम्मच चलाते रहना चाहिए बार बार फ्राई करते हुए, और जब भी खाना पकाए तो खाने के सामने रहेंगे जिससे चिपके नहीं, ख़राब ना हो जाए। देखिए हमारी मज़ीद और फ्राई होना बाकी, मुझे चला रही मैं इसे, अब इसमें ही मैं ऐड कर दूँगी ज़ीरा और साथ फ्राई करती जाऊँ
खाना पकाते हैं एहतियात की बहुत ज़रूरत होती है, आपकी चीज़ें जले नहीं, आपकी चीज़ें चिपके नहीं, और बार बार आपको ध्यान रखना पड़ता है अपनी चीज़ों का, तभी आपके खानों में अच्छा जायका और आता है। तो खाना पकाना कोई मेहनत का काम नहीं है, वाकई नहीं है, सब चीज़ें डाले और आपका खाना बन जाता है। लेकिन जो चीज़ आप है ना दिल और मोहब्बत से बनाते हैं उसमें कुदरती जायका आ जाता है कि मेरी प्याज गोल्डन हो चुकी है, इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर, देखिए हमने टमाटर ऐड कर दिया इसमें, और इसको टमाटर गलाएँगे, साथ ही इसमें मसाले ऐड करूँगी मैं। ये मैंने डाल दिया इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर एंड साबुत धनिया, यह हम ऐड करके उसमें आधा गिलास पानी डाल के मैं इसे भूनूंगी। देखिए इसमें आधा गिलास मैंने पानी डाला है, आधा गिलास थोड़ा कम ही डाला है। अब इसमें टमाटर मैं भूनूंगी साथ में मसाले के साथ, इसको हम भूनते जाएंगे अच्छी तरीके से, भूनेंगे टमाटर हल हो जाए। इसे मैं ढक दूंगी आधे घंटे के लिए, आधा घंटा बोलूँ सॉरी, इतना ढक दूंगी कि ये हमारे टमाटर हल हो जाए। थोड़ी मिस्टेक हो जाती जब हम लाइव शो कर रहे होते हैं, तो इतना ढक के पकाऊंगी कि हमारे टमाटर गल जाए, फिर इसकी भुनाई करूंगी सही से। देखें थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हमारे टमाटर, अब इसको मैं इस तरीके से मार के अंदर सॉल्व कर लूँगी थोड़ा, और भुनाई कर लूँगी इसकी। ये किसी तक काफ़ी हद तक भून चुके हैं, थोड़े बहुत इससे लंग्स रहते टमाटर, वो मज़े से भून रही हूँ मैं इस तरह ही मार मार के, और भुनाई करती जा रही, थोड़ा मारती जा रही हूँ। अब इसमें हम ऐड कर देंगे करेले जो हमने फ्राई करे थे। ये मज़े हमारे जैसे भून चुके, थोड़ी बहुत जो कसर है वो हम करेले ऐड करके करेंगे। इसमें देखें आप, इसमें मैंने नमक डाल के भिगो दिए थे करेले को, और अच्छी तरह से इसे छान लिया, निचोड़ लिया, और फिर फ्राई कर लिया मैंने इसे। तो इसमें जो बिल्कुल भी कड़वास नहीं है, और बहुत मज़े के यम्मी लगेंगे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से, इस तरीके से बहुत मज़े के बनते हैं, आपके घर में भी फेवरेट हो जाएंगे करेले, क्योंकि मेरे भाइयों को पता ही नहीं चलता मैंने बनाया क्या अगर जब ये बनाती हूँ करेले। तो एक धोखा समझ लें या फ्लेवर समझ लें, जायका बहुत अच्छा आता है इसका, ज़रूर ट्राई करिएगा आप। मैं इस मसाले में ये ऐड कर दूँगी फ्राई करेले, साथ ही ऐड कर दूँगी हसबे जायका नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और उसकी करूँगी भुनाई। देखें इसकी अच्छी सी भुनाई करती जाऊंगी मैं, फ्राई करेंगे इसकी तरी साइड में निकल आए, और फिर एंड में हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। अभी ऐड करेंगे तो हमारा सालन काला हो जाएगा, रंग छोड़ देगा, एंड में ऐड करेंगे और इसमें हरी मिर्चें तर तर के डालेंगे। जी रेडी हो चुकी है हमारी सब्ज़ी, साइड में देखिए तरी निकल आई है सही। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं काली मिर्चें, और ये मैंने दो हरी मिर्चें ले ली, इसे रिंग रिंग चॉप कर लिया, अब इसे ऐड कर दूंगी। ये देखें अब मैं इसे एक डिश में सर्व करूंगी। नीचे डिश में हमने निकाले, इसमें हरा धनिया थोड़ा चॉप करके डाल दिया ऊपर, देखिए रेडी हमारी करेले की सब्ज़ी, और बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे स्टाइल से। इसमें आपको है ना करेले की कड़वास भी नहीं आएगी, और बहुत चेंज फ्लेवर दिखेगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, इससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अब मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखें मुझे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें।